मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास सेकंड में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपके पार्ट का नाम है मियाऊ मियाऊ। ये मियाऊ मियाऊ की आवाज कौन निकालता है? बिल्ली निकालती है। और डॉगी कैसे निकालता है आप सब जानते होंगे, क्या है उसकी आवाज? भौ भौ। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसमें एक चूहिया भी है ना। चूहिया कैसे बोलती है? ची 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 करके बोलती है ना। कैसे बोलती है? ची ची करके बोलती है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये कैसे एक बच्ची है जो किससे डर जाती है? जो बिल्ली से डर जाती है, चूहिया से डर जाती है, चूहिया उसको नाक पर काट जाती है। चलिए देखते हैं, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। देखिए ये बच्ची जो है सो रही है, और सोते, सोई सोई मतलब सोना, सोते समय, सोई सोई मतलब सोना। ठीक है, बिलख कर मतलब बहुत ज्यादा एकदम, जैसे कहते हैं ना अचानक कोई घटना हो और आप एकदम डर के और रोना शुरू कर देते हैं, बिलख कर रोई। और एकाएक अचानक, एकाएक मतलब क्या होता है? अचानक। सोई सोई एक रात में, मैं सो रही थी एक रात, और एक रात में सोई सोई और एक रात में सो रही थी, रोई एकाएक बिलख कर के, मैं अचानक बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी, बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी। एकाएक बिलख कर रोई और एकाएक अचानक में बहुत बिलख बिलख कर रोई, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। वो करी क्यों ना रोती मैं, क्योंकि मेरी नाक पर कौन काट गई थी चुईया चोटी, चुईया काट गई चोटी भर, के मुझे नाक पर, नाक की पॉइंट पर कौन काट गई थी? चुईया काट गई थी चोटी। मतलब आपने देखा होगा जब आप नई कोई नई अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं, कोई नई चीज आप पहनते हैं, तो आपके फ्रेंड्स हैं आपको चोटी काटते हैं, बहुत हल्का सा चूटना। ठीक है, तो वो कह रही है क्यों ना रोती मैं, क्योंकि चूहिया जो थी वो मुझे कहां पर काट गई? मेरी नाक के सिरे पर काट कर गई है। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। वो कह रही है मैं सच में, वास्तव में मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। किससे? चूहिया से मैं बहुत डर गई थी, चूहिया से मैं, चूहिया से सच बहुत डरी मैं, और सच में ही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। खड़ी देख चुईया को मैं, और क्या है, मैं खड़ी खड़ी चुईया को देखती रही, लगी कांपने घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी मतलब पल पल, घड़ी घड़ी मतलब क्या होता है? पल पल। सचमुच, सचमुच मतलब वास्तव में, सच में मैं उसको देखकर बहुत डर गई थी। खड़ी देखकर चुईया को मैं, और मैं खड़ी हुई चुईया को देख रही थी, लगी कांपने पल पल। आपने देखा होगा छोटे बच्चे चुईया से, बिल्लियों से डरते हैं, उनको देखने में अच्छा तो लगता है, लेकिन वो अगर अकेले रह जाते हैं तो उनसे डर जाते हैं। तो इसी तरह ये बच्ची भी चुईया से डर गई है। सूझा तभी बहाना मुझको, सूझा मतलब एक तरकीब आई उसको, क्या है ये तरकीब आई, सुझाव आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझको सूझा एक बहाना, कि मुझको एक आइडिया आया, एक नया तरकीब आई, जरा डराना चुहिया को भी, चुहिया को भी जरा डराना, कि क्यों ना मैं चुहिया को डरा दूं, जो वो मुझको जो चूटी भर रही है वो ना भरे। कैसे भला डराऊं उसको? अब वो सोच रही है कि मैं भला इसको कैसे डरा सकती हूँ, क्या मेरे पास ऐसा आइडिया है, क्या तरकीब हो सकती है कि मैं चुईया को यहाँ से भगा दूं। कैसे उसको भला डराऊं, कैसे मैं उसको भला डरा सकती हूँ? धीरे से मैं बोली मियाऊ 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 मियाऊ। अब उसके पास एक आइडिया है कि क्यों ना मैं एक बिल्ली की आवाज निकालूं जिससे कि ये चुईया डर कर भग जाए। और उसने क्या करा, धीरे से क्या बोलती है वो लड़की, मियाऊ 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 मियाऊ। तो वो क्या है, चुईया को लगा कि शायद बिल्ली आ गई। उसने इतनी वास्तविक, इतनी ओरिजिनल आवाज निकाली कि चुईया को लगा कि सच में ही बिल्ली आ गई है, और चुईया वहां से डर के मारे, डर से भाग गई है, है ना। तो बेटा ये जो आपके आसपास के जानवर हैं, ये पोयम उनके ऊपर है। आप उनको देखिए, उनकी क्या आवाज है, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनको देखकर आपको कैसा महसूस होता है। क्योंकि जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, चुईया है, चिड़िया है, कबूतर है, आप इन सबको अपने आसपास, अपने
आस पड़ोस में देखते हैं और आप इनको, इनकी आवाज को, इनके खाने पीने को आप क्या करते हैं, महसूस भी करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा भी लगता है देखना, लेकिन अच्छे के साथ साथ आपको बहुत डर भी महसूस होता है। बेटा आशा करती हूँ आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो भी आप अपने द्वारा थोड़ी सी भरेंगे। धन्यवाद।